के बरशार इलाके में बिजली गुल होने से एक स्थानीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक भैंस की मौत हो गई और एक रिहायशी मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि घायल युवक की पहचान बड़ाशार निवासी वसीम अकरम पुत्र मंजूर हुसैन उम्र 29 वर्ष के रूप में हुई है। बता दें कि घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से उपजिला अस्पताल मंडी लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल पुंछ रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और इसी संबंध में स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए बताया कि शॉर्ट सर्किट से वसीम नामक युवक घायल हो गया और रिहायशी मकान में लगी आग से एक भैंस की मौत हो गई है और साथ ही मकान को भी आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। के इलाका बड़ा चढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। सुबह 5 बजे के करीब यहाँ पे इलेक्ट्रिक शार्ट लगने की वजह से जो माली नुकसान हुआ है, वहीं पर एक शख्स को भी इलेक्ट्रिक शार्ट लगने की वजह से काफ़ी जख्मी हुआ है। उसे यहाँ से पुंछ रेफर कर दिया गया है, जिसका इलाज और मुआवजा चल रहा है। मुकामी लोगों के क्या तासुरात हैं, आइए देखते हैं इस मुकम्मल रिपोर्ट में। देखो, मतलब सुबह में 5:10 पर जैसे ही लाइट छोड़ी, फौरन एकदम अर्थिंग हो गई है ना, हर खंभे के नीचे से आग निकल रही थी और पूरे हर जगह से धुआं ही धुआं निकल रहा था। ऊपर से उस तरफ से धुआं आता है। यहाँ आपने देखा कि दरख्तों के साथ तारों को लगाया गया है जी, और वहाँ पर वो आपने देखा कि वो पूरा दरख्त उसकी करंट की वजह से जल गया है। अगर वही किसी बंदे को लग जाता, वो भी जब मर जाता, उसका इंतकाल हो जाता, तो इस जब हम महीने के महीने किराया देते हैं तो इंतज़ामिया को चाहिए, महकमे को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जो है सर्विस लाइनों को अच्छा किया जाए, ताकि भाई आइंदा कोई इस तरह का हादसा ना हो। भाई हम लोग भाई जब हम किराया वक्त पर जो डिपार्टमेंट हमको देता है भेजता है, हम उसको दे देते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको देते नहीं। हर बंदा यहाँ पर हर एक का कनेक्शन लगा हुआ है, लीगल है, जितने राशन कार्ड है उतने वहाँ पर कनेक्शन भी हैं और किराया भी दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी भी वो ना खंभे हैं ना तारे हैं, कहीं उस दरख्त के साथ लटकाया हुआ है। तो आज ये छोटा मतलब जो भी हादसा हुआ ये तो हो गया, इससे बड़ा भी हादसा हो सकता है। लिहाजा इंतजामिया से हमारी ये जो है गुजारिश रहेगी कि भाई आप इस तरफ ध्यान दीजिए और इसको जो है लाइट को अच्छा कीजिए, जो जो चीज़ें ज़रूरत है उसको अच्छा करने की कोशिश की जाए, ताकि भाई आइंदा कोई हादसा ना हो सके। भैंस मतलब उसमें अभी देखो अंदर बांधी, वहाँ कोई लाइट नहीं है, पूरी अर्थिंग की वजह से उसमें उसका इंतकाल हो गया। आप इससे खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये तो किसी, हमने एक जो वायरिंग वाला था उससे हमने पूछा, मतलब जो प्राइवेट वायरिंग करते हैं उसको पूछा, बोला ये एचटी प्रॉब्लम है कि बोले ऐसा मेजर प्रॉब्लम, इससे बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वो हमारी भैंस लग गई, भाई हम लोग बच गए। मैं भी इसी तरह से दौड़ता रहा, लेकिन उस इस तरफ ध्यान दिया जाए कि भाई अगर जानवर मर गया, अगर कोई इंसान मर जाता तो फिर क्या कर सकते। तो इसलिए हमारी उनसे गुजारिश रहेगी कि भाई आप इस तरफ ध्यान दीजिए और इस निज़ाम को अच्छा कीजिए। किराया जब आप वक्त पर लेते हैं, आपको मिल जाता है, तो आप उसको निज़ाम को भी अच्छा कीजिए और जो सर्विस जो है खिदमात है उसको दिया जाए, तरसीली लाइनों को जो है रिपेयर किया जाए, इस तरफ ध्यान दिया जाए। सुबह 5:15 करीबन 5:15 इतना बड़ा हादसा हुआ कि जिसकी लपेट में 2 वार्डें आई, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 भी है। उसमें ये हुआ कि एक जगह नीचे हमारे मौलाना बशीर साहब हैं, उनकी माल मवेशी को करंट लगा, जिसकी वजह से एक भैंस भी मर गई। उसके बाद ये वार्ड नंबर 1 जो है ऊपर, ये मोहम्मद जहूर दीन है, ये बेचारा पिछले 2-3 साल से शायद कैंसर पेशेंट है, इनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इधर सामान जल गया, लकड़ जल गया। हादसा बहुत बड़े होते होते अल्लाह ने किया ये टला, मगर इसकी बड़ी वजह है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ या किसकी वजह से हुआ, वो उनको देखना चाहिए आगे। खास करके मेरी अपील रहेगी एक्सियन अपना पावर वालों से, उनसे रहेगी एक्सियन या अपना AW साहब, ये सब वो आके खुद देखें यहाँ आके कितनी बुरी हालात है। लिहाजा इस पर ज्यादा से ज्यादा गौर करके इसको देखा जाए कि किस वजह से ये हादसा होते होते टला, बल्कि हो भी गया। वहाँ 2-3 लोग थे, बच्चे थे, वो बेचारे बोलते थे हमें भी करंट लगा। यहाँ एक हमारा कजन ही है, उसको भी करंट लगा, उसको हाथ में से फट गया करंट, मेरे खिलात में से भी फटा, वरना वो जान भी चले गई थी, कीमती जान चले गई थी, यंग लड़का है। पूरे मतलब 2 वार्डों में ये करंट जमीन में से फैल गया। जी सर, मेरा नाम जुबैर हुसैन है, मैं गांव बरा छड़ का नंबरदार हूँ। आज सुबह सर 5:05 पे कुछ नमाज फजर का वक्त था, तो कुछ लोग जाग रहे थे, कुछ नमाज पढ़ रहे थे, कुछ अपने काम में मसरूफ थे, तो अचानक से जो है यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ। उस शॉर्ट सर्किट के अंदर वार्ड नंबर 1 में मोहल्ला ख्वाजा जो है वहाँ पे अब्दुल हमीद वल्दे मोहम्मद मकबूल और जहूरद्दीन वल्दे मोहम्मद मकबूल, ये 2 भाई हैं। इनमें से अब्दुल हमीद जो था वो पुंछ में थे,
उनके मकान की साइड में से जो है ना आग नमोदार हुई, और उसके साथ में जो है बहुत बड़ा मोहल्ला है जिसके भी लगभग 60 से 70 जाने हैं जो उस मोहल्ले में रहती हैं, और एक साइड से जो है आग नमोदार हुई तब तक शोरगुल हो गया, और उस वक्त सारे मर्द जन इकट्ठा होके किसी ने पानी किसी ने मिट्टी डाल के जो है उस आग को बचाने की कोशिश की। जब तक मकान मालिक यहाँ पहुँचते तब तक यहाँ के आम लोगों ने जो है आग के ऊपर काबू पाया हुआ था।